नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक आप लोगों को इंटीग्रेटेड का बेहतरीन सिस्टम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोट फार्मिंग की जा रही है और पोल्ट्री भी है, और साथ में यहाँ पर किसान भाई ने एक तालाब भी रखा है जिसमें वो मछली पालन भी कर रहे हैं और साथ ही बतख भी है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा काफ़ी बड़ा एरिया है, 10 एकड़ का टोटल जो फॉर्म है। और यहाँ पर उन्होंने फल वाली जो लगा कर रखे हैं, जैसे कि इन्होंने आम का पौधा पूरा लगा कर रखा है। तो साथियों, यहाँ पर आप जो पीछे देख पा रहे हैं, ये जो है काफ़ी बेहतरीन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। और यहाँ पर जो गोट फार्मिंग की जा रही है वो काफ़ी हाईटेक तरीके से की जा रही है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार जो है वो इस तरह का हाईटेक जो है गोट फार्म पहली बार जो हो रहा है उसको अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस वीडियो में जो है आनंद भावे जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनकी मदद से हम यहाँ पर पूरा विजिट करने वाले हैं और ऑनर से भी आप लोगों को मिलाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं मिर्ज़ा अकील बेग, मैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये चहक कृषि फार्म है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले एक वर्ष से। इसमें आप बाजू में देख रहे होंगे मेरे एक तालाब है छोटा सा। ये एक्चुअली हमने मछली पालन के लिए नहीं किया था, लेकिन ये छोटा सा एक शौक़ था हमारा कि हमारे पास डक्स रहें और छोटा कुछ मछलियों का ये हम डालें, तो हमने इसको डाल के रखा हुआ है। इसके पीछे आप देख रहे होंगे आम के पूरे बगीचे, लगभग 500 आम के पेड़ हैं, ये पौधे हैं जिसको लगभग 2 से 3 वर्ष के बीच में हुआ है इनको। और इसमें सभी प्रकार के आम हैं, कुछ मौसमी हैं जो सब मौसम में फलते हैं जी। और इसमें आपको बैंगन फली, तोता फली, सभी इसी मिक्स्ड टाइप के हमने ये डाला हुआ है जी। और इसमें आप गैप देख रहे होंगे, लगभग हमने ऐसा रखा है कि इसमें बीच में ट्रैक्टर पूरा चल जाए, ताकि इसके बीच में हम चना लगाते हैं, सरसों लगा देते हैं। तो इस टाइप से दोनों तरह से हमको ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक तरफ आप आम का जो पौधे आप देख रहे हैं ये भी लगे हुए हैं, और साथ में साथ चना वगैरह मिल जाता है, सरसों लगा लेते हैं, मूंग हमने डाली थी यहाँ पे। तो ऐसा करके ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की छोटी सी कोशिश है। 10.5 एकड़ इसका पूरा एरिया है, और इसमें आप इस तरफ देख रहे हैं जो तालाब है, बहुत ये तालाब जो है लगभग इसको आप मान सकते हैं 100 बाई 50 से 60 फुट के इसमें है। 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट का ये तालाब है। और इसमें कौन सी मछली डाली हुई है? मछली हमने जो डाला था पहले, एक आप यहाँ की पिराना फैमिली की एक छोटी सी मछली है, रूपचंदा। अच्छा, रूपचंदा। हाँ, रूपचंदा हमने डाला हुआ था। और अभी तलबिया है, मोनोसेक्स जी। तो ये पिछले कई वर्षों से हम लोग छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि किसानी के तरफ लोगों को लौटना चाहिए। और इसमें एक और आपको अच्छी बात बताता चलूं कि इसके अंदर हम लोग बहुत कम इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा जो नीले इस तरफ राइट हैंड साइड में देख रहे हैं शेड है, जिसमें बकरी पालन और मुर्गी पालन का पूरा हमारा काम चल रहा है। तो इसकी खाद को हम टोटल उपयोग करते हैं अपने खेतों में। और जिस तरफ आगे आप देख रहे हैं, इस तरफ हमने नेपियर और गन्ना दोनों एक साथ लगाया हुआ है, ये भी हम अपनी बकरी को फीडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। इस तरफ साइड में थोड़ी अरहर लगाई हुई है, क्योंकि बकरियों को नॉर्मल ठंडी में थोड़ा सा हीट के लिए बोलते हैं कि आपको अरहर के पत्ती वगैरह देना चाहिए। तो अभी ठंडी की तैयारी है। इस तरफ आगे आप देख रहे होंगे जो जुताई है रोड के उस पार, 4 सेक्शन में देखिए इसको डिवाइड किया गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में। आप अगर हमारा देखेंगे तो जो अब हम इस फेसिंग में खड़े हैं, शेड जो है हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी हम खड़े हैं सामने। तो इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो रोड हमने ऐसा बनाया हुआ है, चारों तरफ हर तरफ आप जाने के लिए गाड़ी वगैरह जा सकती है, इसका पूरा प्रोविज़न रखा गया है। जिस तरफ बकरियां हैं उस तरफ बाहर की एक बाउंड्री, आउटर बाउंड्री दी गई है, जहां से बकरियां बिल्कुल बाहर नहीं निकलती हैं। हमें जब होता है हम बकरियों को बाहर निकाल करके उनके बाड़े में छोड़ देते हैं जी। और इस तरफ हमारा पूरा सेफ है, कोई चीज़ उधर से उधर एंट्री नहीं करती। इवन हमने मतलब कुत्ते वगैरह को भी बाहर से आने की जगह को रोका हुआ है जी। थोड़ा दूर करेंगे अगर आप इस विज़न को लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, ये रोड के लेफ्ट हैंड साइड में हमने ज्वारा लगाया है जी। ये जो ज्वारा है ये हमको गर्मी से लेके अभी तक पूरा फीडिंग पे काम आया, ग्रीन फॉडर के रूप में हमारी बकरियों के लिए। इवन हमने कटिंग करके बारीक उसको मुर्गियों को भी खिलाया है। ये एक और अच्छी बात बता दूं आपको कि जो लोग देशी मुर्गी पालते हैं उनको चाहिए कि ये जो घास वगैरह हो जा रही है, ये जो खरपतवार है, इसको भी अगर आप बारीक कटिंग करके देशी इन सोनाली ब्रीड की मुर्गियों के सामने, या देशी मुर्गी हम तो बोलते हैं, उनके सामने रखिए तो आपको वो भी वो खाती हैं जी। तो इस प्रकार से टोटल आप मिला के देखेंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का छोटी सी कोशिश है, जिसमें हमारे पास लगभग अभी 500 से 600 मुर्गियां हैं जी।
और जो कि आपने पहले भी अगर आप उसको देखे होंगे तो हमने बहुत अच्छा बनाया है कि उसको भाई ज़ीरो कॉस्ट फीडिंग, मतलब जो बकरी खा रही है वो नीचे गिरे और यूज़ हो जाए। मछलियों का भी ऐसा ही है कि वहाँ से जो जैसे कुछ चीज़ सड़ जाती है बकरियों का चारा वगैरह, तो हम ला के तालाब में उसको फिंकवा देते हैं और वो मछलियाँ उसको खा लेती हैं। तो इससे एक ओवरऑल फ़ायदा ये हो रहा है कि एक टाइप का सर्किल बन गया, जो वेस्टेज है उसको हमने यूज़ कर लिया खेती बाड़ी में जो आपका खाद के रूप में, और जो खाने का वेस्टेज बन गया वो जानवर को देते हैं। और जैसे डक्स वगैरह भी जो रखी हैं, तो डक्स जो खाना खा रही है चोकर और पके हुए चावल में, हम लोग चोकर मिक्स करके देते हैं, वो भी पूरी की पूरी जो बीट है वो तालाब के अंदर करती है। तो उससे भी आप देखेंगे कि एक नेचुरल फिनोमेना बन रहा है सब कुछ। तो आउटर फीडिंग को छोड़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो इनर सोर्स से आप जानवरों को फीड कर लीजिए। तो सर का यहाँ पर जो मेन सेटअप है वो यही है ना सर? ये मेन सेटअप हमारा यही है। तो इसमें उन्होंने जो है मुर्गी पालन और बकरी पालन साथ में की हुई है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसको किए हैं। और सर ने जैसे कि बताया कि इसका पूरा जो वेस्ट निकलता है उससे जो फ्रूट वाली जो फसलें यहाँ पर लगा कर रखी हैं, और फ्रूट वाली के साथ भी इंटरक्रॉप भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं सर। यहाँ पर जो फ्री रेंज में चल रही हैं जितनी भी मुर्गियाँ, तो उसको आप फ्री रेंज और फीडिंग दोनों में रखते हैं कि कैसे? पूरा फ्री रेंज में ही होता है? दोनों में हम फीडिंग करा रहे हैं। जो एक पोल्ट्री फीड आता है वो भी दिया जा रहा है, प्लस इसके अंदर मक्का और गेहूं ये सब मिक्स करके हम चावल वगैरह को फेंकते हैं जी। ताकि जो नेचुरल उसका फिन ये है सर्किल जी, वो मुर्गी का कंप्लीट हो। और इस तरह से ओपन रेंज में छोड़ देते हैं ये, जिसके अंदर कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ मुर्गियों को मिल रही है वो आपस में खाती है। सुबह हम खोल देते हैं इसी तरीके से जी, और शाम शाम के समय होते तक अपना अंदर चली जाती हैं। चारों तरफ से फेंस किया हुआ है ताकि कोई बाहर का डॉग वगैरह या इस टाइप के कुत्ते वगैरह अंदर नहीं आ पाए। आप चारों तरफ से देख रहे होंगे जी। ऐसे अगर आप ब्रीड की ये सोनाली है, मुर्शिदाबाद से हमने इसको बच्चे मंगवाए थे जी, बंगाल साइड से, क्योंकि ये बंगाल साइड की ब्रीड है जी। और इसी की कोशिश करके हम इसको ये किए थे कि वहाँ ही से मंगवाया जाए। तो हमारा ये करीब करीब 4.5 से 5 महीने के आसपास की ये मुर्गियाँ हैं जी। और अब ये अंडे पे आने वाली हैं, लगभग कुछ ही दिन में ये अंडे पर आ जाएंगी जी। ये कितने पीस होंगे सर ये मुर्गियाँ? ये करीब करीब 460 मुर्गियाँ हैं जी, और लगभग 30-37 मुर्गे हैं, 500 पीस के से कुछ अबव हैं ये टोटल जी। अंदर भी आप आए एक बार आ जाइए, अंदर, अंदर हम दिखा देते हैं आपको। ये जैसे डबल स्टोरी है सर, तो इसकी हाइट क्या क्या रखी हुई है आपने? ये 6.5 फीट समझिए आपको मिलता है नीचे जो लकड़ी के पाटे तक, तो एक नॉर्मल हाइट जो है होती है एक व्यक्ति की। उससे से नीचे आप कच्चा देख रहे हैं, पूरी मट्टी मुरम का एक ये बनाया हुआ है, इस पर भूसा भी रहता है चावल का। अभी समय होते होते ये थोड़ा सा दब गया है, तो नहीं तो इस पर हम चावल का भूसा भी डाल देते हैं कि जानवर जैसे थोड़ा सा ज़मीन से नमी वगैरह बने तो सूखा रहे जी। तो सर ये पूरा स्ट्रक्चर कितने साइज़ का है? ये अगर एक सेक्शन आप देखेंगे, हमने ऐसे ऐसे 4 सेक्शन बनाए हैं, 1500 स्क्वायर फीट, टोटल 6000 है, उसके 4 सेक्शन से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1500 का एक सेक्शन है जिसमें हम आराम से चाहें तो एक ही सेक्शन में रख सकते हैं पूरी मुर्गियों को, लेकिन हमने उसको जगह रेंज दे दिया कि काफ़ी जो भी है रहें। बीच में अपन ने कोशिश किया था थोड़ा सा कॉकरेल वगैरह भी पालने का, लेकिन कॉकरेल हमारे लिए उतना सूटेबल नहीं रहा क्योंकि मार्केट का रेट उसका बहुत फ्लक्चुएट भी करता है जी। तो हमने कॉकरेल नहीं किया, लेकिन सोनाली के लिए ये करीब करीब एटमोसफियर ठीक है जी। 500-600 मुर्गियाँ अभी हैं हमारे पास, और ये अभी आते ही आते में अंडे पे आ जाएंगी जी। भी जानना चाहूँगा, और हमारे जो व्यूवर्स हैं सामने किसान भाई हैं वो भी जानना चाहेंगे कि इतना कॉस्ट जो आपने इसमें लगाया हुआ है, ये हाईटेक तरीके से फार्मिंग जो कर पा रहे हैं, तो इससे आपका उद्देश्य क्या है और इससे क्या क्या लाभ आप ले पा रहे हैं? देखिए उद्देश्य जब तक आप, मैं बताया ना, जब चीज़ कोई चीज़ शौक के दायरे में है तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली कोई बात नहीं है जी। अगर वैसा आप देखेंगे तो अभी हम, अगर जो हमारे साथ हादसा हुआ जो जानवर गए उस हिसाब से अभी हम प्रॉफिट वगैरह पॉइंट पे नहीं है जी। लेकिन हमारी दो जो चीज़ हमारे एक शौक में था कि हमको एक अच्छा ब्रीडिंग सेक्शन डालना है जी, जी। लगभग लगभग हम उसकी तैयारी में हैं जी। ठीक है, जहाँ तक इसके मतलब कंस्ट्रक्शन की बात है, जो थोड़ा सा और मैं ये कर दूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या था कि जब ऊपर की बात आई जी, इसको 2 स्टेजेस में बनाया है हमने जी सर। एक लोअर स्टेज में जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ियों के बीच में हमने गैप छोड़ा है जी। गैप छोड़ते हैं इसके वजह से कि एक बार झाड़ू लगी सारा कचरा नीचे चला जाता है। नीचे हमने कंसेप्ट में के हिसाब से देसी मुर्गियां हम डाले हैं जी सर। और वो मुर्गियां हमारी काफ़ी इससे खाती तो नहीं है इसको, लेकिन जैसे कीड़े वगैरह हुए ये हुए तो वो चीज़ साफ़ सफाई के हिसाब से भी मुर्गियां पूरा
कंप्लीट कर देती है। ऊपर से जो चारा ऊपर से गिरता है जी, मतलब हमारा जो अगर आप देखेंगे ना फीड का जो लॉस है वो एकदम 0% है जी, जो चारा ऊपर से गिरा वो मुर्गियां सब उसको ख़त्म कर देती जी। लकड़ियों के जो एक पाटे की बात है इसकी का कॉस्ट जो हमको पड़ा है, अगर आप देखें कोई बोलेगा कि अरे आपने बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा किया है जी, 9 से 10 लाख की सिर्फ लकड़ियाँ लगी हैं, 2 इंची थिकनेस का पाटा है जी, और जो विड्थ मिली जी, ठीक है अगर इसको हम बहुत अच्छी लकड़ी पे जाते सरई वगैरह पे तो ये बहुत महंगा पड़ जाए जी, लेकिन ये आड़जात लकड़ियाँ हैं, मतलब किसी आम की जबूल की ऐसा करके मिक्स दिया है उसने, लेकिन ये हमको आज अभी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है 500 जानवरों की जी, जब ये थोड़ी तादाद बढ़ेगी और तादाद बढ़ रही है जी, अभी हमने एक परचेजिंग किया था उसके ऊपर का सारा कुछ वर्कआउट किया है सीखा है जी, अब इसके बाद जब हम सेकेंड और थर्ड परचेजिंग पे जाएंगे जी। तो किसान भाइयों सभी को मेरा भी कहना है कि अतुल कृषि फार्म का जो आपने ये बढ़िया हमारे अतुल जी जो काम कर रहे हैं ये हमारे भी इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आके इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।